हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और एक बहुत ही बुरी चीज़ जो हम लोगों ने देखी है कल के दिन में, कि JEE मेंस 2021 के बारे में अनाउंसमेंट देने के बाद, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो यहाँ पे, उन लोगों ने ब्रोशर डाला था और वो उसके बाद उन लोगों ने पुल आउट कर लिया है। ठीक है, तो जो ब्रोशर निकाला था उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो कल रात को मैं लाइव आया था, उस पर मैंने बनाया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। वो ब्रोशर की डिटेल्स मैंने बताई थी और वो ब्रोशर में मेंशन था कि 15 दिसंबर से, मतलब कि कल से, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और आप 15 जनवरी तक अप्लाई कर पाओगे। अब सिचुएशन देखो यहाँ पे कि अभी तक ये वेबसाइट पे कहीं पे भी आपको एप्लीकेशन मतलब फिल करने के लिए जो टैब होती है वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने एक छोटा सा, आप अगर मोर पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आप देखेगा कि इन लोगों ने छोटी सी चीज़ मेंशन कर दी है। तो ये दर्शाता है कि जो हमारा NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके और एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन दोनों के बीच में कितना खराब कोऑर्डिनेशन है। ये मैं बोल सकता हूँ कि हमारे देश की सबसे बुरी बातों में से एक है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि थोड़ा देखते हैं। तो मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आप देख सकते हो ये वाला जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने वही बताया है कि NTA पुल्स ऑफ JEE मेन्स 2021 नोटिफिकेशंस आवर्स आफ्टर रिलीज। ठीक है, तो ये क्यों किया गया, यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कुछ, कितना सच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का मतलब सच माना जा सकता है, इट्स रेप्यूटेड न्यूज़पेपर। क्या बोल रहा है, आवर्स आफ्टर रिलीज द NTA हैज पुल्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेंस 2021 नोटिफिकेशन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट JEE main.NTA.ac.in, जो अभी हमने ओपन किया था, .NIC.in, सॉरी। इन अ रिप्लाई टू द इंडियन एक्सप्रेस इट मेंशनड डेट्स आर नॉट फाइनल एज पर द ब्रॉशर फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। JEE मेन विल बी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट फरवरी मार्च अप्रैल में। मतलब कि अभी तक इन लोगों के हिसाब से कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, ये इनका रीजन आया है। अब मुझे लग रहा है आज 16 हो चुकी है, कल के दिन कोई रजिस्टर नहीं कर पाया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था और आज अभी तक कुछ नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा, उसमें कोई दोराया नहीं है। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपका कंटेंट भी मिलता रहेगा और आपको इस तरह की अपडेट भी मिलती रहेगी। कंटेंट भी हम पढ़ा रहे हैं आजकल। मतलब मेरा यहाँ पे पॉइंट यही है कि इन लोगों ने बोला 12 लैंग्वेजेस में हो रहा है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, वो सारी डिटेल दी गई, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन लोगों ने लिखा हुआ है कि 75 क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें मतलब ठीक है, लेकिन यार बाकी सब चीज़ें ठीक है, लैंग्वेजेस है, आप 4 दिन में कर रहे हो, 4 महीने कर रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ होती है कि एक साथ आपने 10 लाख बच्चे, अज्यूम कर लेता हूँ मैं 10 लाख, ठीक है, जो देना चाहते हैं, 10 लाख बच्चों को आपने बोला कि हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब हो जाएगा, और फिर आप दूसरे मिनट में वेबसाइट ब्रोशर पुल आउट कर लेते हो, तो बच्चे के माइंड में कितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो आप सोचो। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट रियली नॉट अ गुड थिंग। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसी चीज़ें करने से पहले अगर आप कुछ अनाउंस कर रहे हो तो उस पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ डिस्कस करना चाहिए। ऐसी चीज़ मैंने अभी थोड़े दिन पहले IBPS जो एग्ज़ाम होती है उसके एग्जाम उसके में भी देखा था कि उन लोगों ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया और फिर पुल आउट कर लिया और ऐसी कुछ चीज़ें बाहर आई थी। तो दिस इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग, आपको सोच समझ के हर एक काम करना चाहिए। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, अब जो किया वो, अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, जो ब्रोशर ऑलरेडी अवेलेबल था उस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आई गेस अराउंड 40 से 55 मिनट, 45 से 50 मिनट का है, उसमें डिटेल में सब कुछ समझा दिया है मैंने, तो वो जाके जरूर से देखिएगा। और जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जितने हमारे फुल कोर्सेस हैं, जितने अभी हमारी सीरीज चल रही है, वो सब पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कुछ भी और सीखने का मन हो, कोई टॉपिक ना आता हो, तो हमें मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट्स और गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।